सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों, एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि राजस्थान को आधा हिस्सा जो पश्चिमी राजस्थान है और कुछ और इलाके को ऐड करके एक मरु प्रदेश बनाया जा रहा है। भाइयों, जे किसी की भी मांग नहीं है जो जिले इन्होंने मरु प्रदेश में रखे हैं, ये मांग सिर्फ पंजाब से लगने वाले श्री गंगानगर के कुछ असामाजिक तत्वों की, कुछ समाज विशेष के लोगों की है, बाकी किसी की भी ये मांग नहीं। तो भाइयों, इस मांग में जो है वो सोनिया मान जैसी वो पंजाबी सिंगर है उसको बुलाया जाता है और श्री गंगानगर और इस पूरे इलाके पर एक साजिशें रची जा रही हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये जिले ही क्यों ऐड किए हैं? आपने सिर्फ पश्चिमी राजस्थान ऐड करना था तो आपने फिर झुंझुनू और सीकर वाला क्यों ऐड किया? क्योंकि जहाँ पर आपको पता है कि जहाँ पर थोड़ी सी आपकी आबादी हमारे से ज़्यादा है, और आप देखिए कि इससे आपका ही नुकसान होगा। आपके लोग जैसलमेर में हमसे कम है, फिर सिरोही में कम है, जालौर में कम है, जोधपुर में कम है, पाली में कम है, इसके अलावा बाकी जगह हो सकता है कि आप थोड़े से ज़्यादा हो। ये एक बहुत ही राजनीतिक काम किया जा रहा है, कुछ सामाजिक लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसका जो नेतृत्व कर रहा था वो एक गोदारा है, जयवीर गोदारा है। तो भाइयों, सिर्फ एक इलाके से ये डिसाइड नहीं होगा। श्री गंगानगर जिसको महाराजा गंगा सिंह ने बसा, उस इलाके में अगर तुम्हारी जनसंख्या ज़्यादा है तो तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन पूरे राजस्थान पर ही क्षत्रियों ने साम्राज्य किया है और उसको कोई अलग नहीं कर सकता, उसका तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ये सब RSS की चाल है। RSS बीजेपी ये बिल लाने वाली है, अगर ये बीजेपी बिल लाती है तो बहुत ज़्यादा अपमान होगा। इसने पहले क्षत्रिय समाज के टुकड़े किए, इसने जम्मू कश्मीर में बहुत लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जनरल जोरावर सिंह ने कब्जा किया था, और महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह तक हमने एक राज्य बनाया, एक शासन शासित राज्य बनाया और एक रियासत बनाकर रखा उसे, और उसको अलग कर दिया इन्होंने लद्दाख को। लद्दाख को अलग करके उस महाराजा हरि सिंह जनरल जोरावर सिंह का अपमान किया, उन्होंने रियासत से काट दिया उसको। पहले उन्होंने ये किया कुछ साल पहले, अभी ये मरु प्रदेश बनाते हैं राजस्थान के आधे हिस्से को, तो ये बहुत बड़ा अपमान होगा। क्योंकि ये कुछ सामाजिक लोग करवा रहे हैं, ये जो असामाजिक तत्व हैं, क्योंकि इनकी आबादी जो है वो आप देखिए कि इनकी जो आबादी है वो आपको मेवाड़ में नहीं मिलती, इनकी आबादी बूंदी कोटा वगैरह हड़ौती क्षेत्र में नहीं मिलती इतनी, इनकी आबादी मेवाड़ में नहीं मिलती, राजसमंद भीलवाड़ा वगैरह बहुत सारे इलाकों में। तो ये लोग अब इनकी आबादी जो है वो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान से में थोड़ी सी है, लेकिन वहाँ पर क्षत्रियों की भी एक बहुसंख्यक आबादी है। बाकी को अलग करके ये लोग क्षत्रिय समाज का अपमान करना चाहते हैं। शेखावटी क्षेत्र के शेखावत राजपूतों की रियासत के सीकर और इसके अलावा झुंझुनू को ही क्यों ऐड कर रहे हैं? फिर जयपुर को भी ऐड कर लो इसमें, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें इससे क्षत्रिय समाज की रियासतों का खंडन होगा, विखंडन होगा। पहले राजपूताना से राजस्थान किया, फिर राजस्थान से अब आधा हिस्सा मरु प्रदेश करेंगे, ये बहुत ही गलत है।